एक होता है कि आप अपनी इंक्रीज रीच बढ़ा रहे हैं और दूसरा जिस दुकान में जा रहे हैं वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हेल्थ, उसकी सेहत, उसकी सक्सेस कैसे नापी जा सकती है? पर आपका जो मोस्ट हीरो प्रोडक्ट, वो हीरो प्रोडक्ट हर दुकान में अवेलेबल होगा और थोक के भाव अवेलेबल होगा। तो कुछ चीज जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं करूंगा, कुछ चीज जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है वो मैं आउटसोर्स कर दूंगा, किसी और को दे दूंगा काम करने के लिए। तो आज हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट सेशंस में है मिस्टर अमित जावर, जो डाबर नॉर्थ को हेड करते हैं, और आज हमसे वो बात करेंगे अपने ब्रांड के बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बारे में। तो स्वागत है आपका बिजनेस में। थैंक यू, धन्यवाद सर। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? तो आयुष, मैं सिंस बिजनेस की बात हो रही है तो मैं राजस्थान से हूँ, एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी का बचपन से ही डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार रहा है, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, और अभी मैं करेंटली पिछले 10 से 12 वर्षों से मैं FMCG इंडस्ट्रीज में काफी बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट अभी मैं डाबर के साथ पूरा उनका नॉर्थ का बिजनेस देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि FMCG सेक्टर और हमारे जो फुटवेयर फैक्ट्री ओनर्स और अपैरल फैक्ट्री ओनर्स और ब्रांड्स हैं, ये क्या फुटवेयर और अपैरल जैसे सेक्टर्स FMCG से कुछ सीख सकते हैं, और जो सीख सकते हैं वो क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? सीखना तो लर्निंग तो आई थिंक हर जगह हो सकता है, बट मैं आपको मुख्य चीजें बताता चाहता हूँ कि क्या क्या FMCG और अपैरल सेक्टर से देखा जा सकता है। FMCG सेक्टर, जैसा कि सभी जानते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो इसमें एक होता सेल्स वाला साइड और एक होता मार्केटिंग साइड। अगर मैं आपको बताऊं तो सेल्स साइड में अगर आप देखेंगे तो तीन चार चीजें होती है जो आइडियली FMCG सेक्टर में काफी ढंग से समझी जाती है। एक है कि कितनी हम नई दुकानों पे रीच बढ़ाए जा रहे हैं, तो हम कितनी नई दुकानों पे अपने प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं, वहां पर हम कितनी दुकानों पे हमारे प्रोडक्ट्स प्लेस कर रहे हैं। पहला हो गया कि आप नए नए टाउन एक्टिवेट करते हैं, तो FMCG जैसे 2000 से 3000 आबादी के गांव में भी आपको जाएंगे तो आपको कोई ना कोई कोलगेट का टूथपेस्ट हो गया, डाबर का तेल हो गया, या पैराशूट मैरिको का पैराशूट ऑयल मिल जाता है, तो आपकी रीच बनती है पहला। दूसरा होता है कि आप उस पर रेंज बेचना शुरू करते हैं, तो एक होता है कि आप अपनी इंक्रीज रीच बढ़ा रहे हैं और दूसरा जिस दुकान में जा रहे हैं वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप रेंज बेचने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो मेरे को लगता है कि एक हो गया आपने रीच बनाई है, दूसरा आप उसमें रेंज सेलिंग इंक्रीज कर देते हैं, तो ये दो एंगल है। तीसरा FMCG जो ऑब्वियसली जब इतना फास्ट हो जाता है तो आप टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर देते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे हम जान रहे हैं कि आज हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय बन गया है, तो टेक्नोलॉजी से आप चीजें और फास्ट कर सकते हैं कि मुझे किस जगह जाना है, किस जगह अटैक करना है, कहां से मैं अपने धंधे को इमीडिएटली बढ़ा सकता हूँ, तो ये तीसरा चीज होता है। और चौथा FMCG, अगर आपने देखा होगा कि कंज्यूमर की जो जरूरतें होती है उस हिसाब से नए नए प्रोडक्ट बराबर लेके आती रहती है, तो आपके जो कंज्यूमर है उनकी क्या जरूरत है, अगर वो जरूरत बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट को वैसा चेंज करेंगे ताकि आपकी सेल्स में वृद्धि हो। तो ये तो होगी तीन चार चीजें। अब मार्केटिंग, क्योंकि आप अभी प्रोडक्ट लेके आ गए, पर प्रोडक्ट बनाना कैसा है, उसके पीछे की जो पूरी स्टडी है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कैसे चाहता है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, किस पैकेजिंग में चाहता है, तो ये सब चीजों में जब आप देखते हैं उनको किस टाइप से प्रमोशन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप मार्केटिंग के लेंस से देखेंगे तो आपको जरूर उसमें वृद्धि होती, तो FMCG आपको जरूर मदद कर सकता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है कोई भी ब्रांड, या कोई भी ऐसा ब्रांड जो ब्रांड बनना चाहता है, जब वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं तो वो कहाँ हार जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी बात को? तो आई थिंक आपने जो सही एकदम सही सवाल पूछा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, अब वो प्रोडक्ट बिकने वाला कहाँ पर है, तो सबसे पहले जब हम एक प्रोडक्ट लेके आते हैं अगर वो प्रोडक्ट किस टाइप के कंज्यूमर को चाहिए, वो जरूरत किसकी है, तो उस कंज्यूमर तक आपको कैसे पहुंचाना है, एक उसका आपको अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो बहुत सारी कंपनी जो होती है प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाती है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में कई बार पीछे दब जाते हैं क्योंकि उसके कंज्यूमर को पता ही नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में कहीं। तो पहला चीज होता है उसकी अवेयरनेस बनानी पड़ेगी, दूसरा होता है उसकी रीच बनानी पड़ेगी। जब वो दुकान पे ही नहीं मिलेगा, उसने ऐड तो देख लिया मोबाइल पे, पर जाएगा कहाँ लेने के लिए, तब रीच कहाँ बनानी है। रीच देखो ऐसा होता है कि इंडिया बहुत बड़ा वास्ट है, ज्योग्राफी है, तो आप कोशिश करते हो कि मैं पहले अपने टॉप टाउन में मेरा प्रोडक्ट, अगर जैसा अज्यूम कि राजस्थान में ज्यादा बिकने वाला है, राजस्थान में किस विभाग कहाँ बिकेगा, क्या जयपुर साइड ज्यादा बिकेगा या उदयपुर साइड ज्यादा बिकेगा, तो आप उस हिसाब से अपना प्लान करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, और वहां पे कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे अपना फोकस बनाऊं। जैसे जैसे फोकस बढ़ता जाएगा आप उसकी स्केल बढ़ाते जाएंगे। तीसरा जो मुझे लगता है जो ब्रांड हार जाती है वो है कि प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करने में। देखो प्लान हर कोई कर लेता है इंडिया में कि मैं ये प्रोडक्ट लेके आऊंगा, यहाँ यहाँ लेके जाऊंगा। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मुझे लगता है वो एग्जीक्यूशन कैसे करना है। इधर मैं ना अगले 15 दिन में मैं इस बेल्ट में इतनी दुकानों पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, और ये करने के लिए मेरे को ये मदद लगेगी। वो जो एग्जीक्यूशन वाला जो होता है ना, वहीं पे हम अटकते हैं, और कई बार मैंने देखा वहीं पे ब्रांड्स अटक जाती है।
और फिर वो स्केल करके ग्रो नहीं कर पाती या एक अपनी उम्मीद से दुगना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। जब भी ब्रांड अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाती है तो कुछ रिटेल पार्टनर्स होंगे जिनको वो चुनेगी, तो ये रिटेल पार्टनर्स को चुनते वक्त ब्रांड को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो ब्रांड को एक देखना चाहिए कि रिटेल पार्टनर उसके प्रोडक्ट की फिटमेंट के हिसाब से सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर एक नॉन प्रीमियम मार्केट में चले जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट वहां जाके अटक जाता है, तो आपका पैसा भी अटक रहा है, क्रेडिट भी अटक रहा है और आपका प्रोडक्ट का फिटमेंट भी गलत हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट सही जगह पर और सही जगह पर विजिबल है, अगर वो प्रोडक्ट लेट अस सेज़ दिल्ली के क्राउड के लिए बना है, साउथ दिल्ली के क्राउड के लिए बना है, तो अगर वहां पर विजिबल होगा तो ब्रांड हमेशा फास्ट मूव करेगी ताकि आपको रिपीट ऑर्डर ज्यादा आए, नहीं तो यू विल आप दूसरी जगह पहुंच जाएंगे कहीं पर जहां पे आपका माल बिकना नहीं होगा और आपके ब्रांड में एक स्लगिशनेस आ जाता है सेल्स में और वहां से आपका स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है ग्रोथ का। क्या अहम दो तीन पहलू होते हैं मार्केट रिसर्च के जहां पर हम देख पाए, क्या पहले प्रोडक्ट बनाया जाता है बाद में मार्केट को समझा जाता है या पहले मार्केट समझ के फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है? ये एकदम वैसा हो गया कि मुर्गी पहले अंडा पहले वैसे, बट मैं आपको बताऊं तो इसमें दो तीन चीजें जो देखनी आती है, एक आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसका कैटेगरी साइज क्या है कि आप कहां पर आप खेल रहे हो। तो अगर मैं आज बोलूं कि आज मैं एक साबुन में एंटर करना चाहता हूं, ब्यूटी सोप में एंटर करना चाहता हूं, ब्यूटी सोप की कैटेगरी कितनी बड़ी है, दूसरा मैं किस जगह एंटर करना चाहता हूं, क्या मैं यूपी में बेचना चाहता हूं, राजस्थान में बेचना चाहता हूं, तो आपने सबसे पहले आप कैटेगरी साइज देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या डिफरेंट है कि कंज्यूमर सडनली मेरे शिफ्ट करेंगे, तो उस प्रोडक्ट में मेरा प्रपोजिशन क्या अच्छा है कि कंज्यूमर शिफ्ट करें, तीसरा प्राइस देखते हैं कि क्या मैं उस कंज्यूमर को उस प्राइस पे एक बेटर प्रपोजिशन बेच रहा हूं, अगर प्राइस अच्छा है तो उसके वहां से माल बिकना शुरू हो जाएगा। और चौथा जो आपने मुझे बताया कि इसमें अगर आपकी जरूरत है कि अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लेके आना है तो आप कोशिश करते हो कि मैं राइट मार्केट में जाके इसे लॉन्च कर दूं, तो ये चारों चीजें जब फिट बैठ जाती है प्रोडक्ट उसका तो आप डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे होते हैं, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है। सर पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनता है वहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक ब्रांड हो सकती है, बीच में एजेंट्स हो सकते हैं, बीच में होलसेलर्स हो सकते हैं, सीएनएफ हो सकते हैं, और बीच में और लास्ट में रिटेलर हो सकते हैं, और उसके बाद कस्टमर आएगा। इस पूरी चेन में सबसे ज्यादा मार्जिन का लॉस कहाँ होता है और उस मार्जिन को किस तरह बचाया जा सकता है, कम लॉस कैसे हो किसी को भी? हर एक जो अगर आप स्टेप जो बताया आपने, सी एंड एफ एक होता है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद एक रिटेलर आता है, उसके बाद एक कंज्यूमर आता है। देखो हर जगह पे उसके अपने अपने जरूरत होती है, तो हर बंदे की एक जरूरत है। अब किसको कम किया जा सकता है, कहाँ खर्चे बचाए जा सकते हैं, मेरे को लगता है अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है तो आपके खर्चे आपको स्कीम में नहीं देना पड़ेगा रिटेलर को, तो रिटेलर को आपको कम स्कीम देनी पड़ेगी पहली चीज। अगर दूसरी चीज, अगर आपके पास अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपका बना हुआ है, तो फिर आप शायद सी एंड एफ की जगह जाके आप डायरेक्टली आपके फैक्ट्री से सप्लाई कर सकते हो उनको, तो अपने सी एंड एफ के बीच का एक मार्जिन बचा सकते हैं अपना। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आप एक नए स्टेट में जा रहे हैं जहां पे आपको जरूरत है, तो आप वहां सी एंड एफ जाएंगे और हो सकता है सी एंड एफ के थ्रू आप डायरेक्ट डीलरों को पूरा माल ट्रक लोड दे दे या जैसा भी, तो आप अपने एक बीच के डिस्ट्रीब्यूटर को हटा देते हैं। तो आप हर जगह पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हर जगह से जरूरत क्या है मेरी और मुझे इस स्टेट में मुझे कैसे जाना है। पर मुझे लगता है अगर आपका प्रोडक्ट सही है और कंज्यूमर अगर मांग रहा है रिटेलर से, तो आप स्कीम में प्ले अराउंड कर सकते हो, जो आप मार्जिन देते हो वो मार्जिन उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपका एक सबसे ज्यादा खर्चा वहीं पे होता है कि जनरली स्कीम के दम पे प्रोडक्ट बिकते हैं इंडिया में। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, एक रिटेलर से जब कोई भी ब्रांड जुड़ता है तो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स भी वहां पर होते हैं, रिटेलर किसी से ज्यादा मार्जिन मांग सकता है, किसी से कम मार्जिन मांग सकता है, आप वहां पर अपना ज्यादा मार्जिन कैसे बैक कर सकते हो, कैसे मांग सकते हो रिटेलर से? देखो दो तीन चीजें होती है, एक आप उसमें कोशिश करते हो कि आप फ्रंट पोजीशन पे आप अपनी शेल्फ मांगो उससे, जब आप उससे जब आप मार्जिन दे रहे होते हैं, जब आप सेल्स बढ़ाना है तो सेल्स बढ़ाने के दो ही तीन तरह, तो जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी गणित है। तो या तो आप कोशिश करते हो कि रिटेलर आपके प्रोडक्ट को पुश करे, उसको एक एक्स टारगेट दे देंगे, हम तेरे को टारगेट अगर तू इतना करेगा तो तेरा एक्स इंसेंटिव हो जाएगा, तो एक पहला तरीका है कि वो आपका प्रोडक्ट पुश करे उसको लेके, उसको पता है कि वो किस स्लैब में आ रहा है। आजकल बहुत सारी कंपनियां अपना सालाना टाइप करती है कि अब तीन महीने में आप इतना माल बेचिए, हम आपके साथ इतना टाइप कर रहे हैं, छह महीने में इतना बेचिए, ये भी एक तरीका होता है कि आप रिटेलर को पुश कराते हो, क्योंकि उसको पता है कि उसको एक टारगेट डिलीवर करना है पहली चीज। दूसरा, जब आप कोशिश करते हो, जब वो उसको भी पता है, तो आप उस कोशिश में उस दुकान में एंट्री पॉइंट पे या कहीं पे जहां पे कस्टमर आते हैं अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा सा डिस्प्ले करते हो, तो जिससे क्या होता है ना, प्रोडक्ट की उसकी सेल्स बढ़ती है, उसके टारगेट के साथ उसकी सेल्स का हमें माल कैसे बिकवाना है वहां से काम शुरू होता है। तीसरा, उस दुकान में अगर आप रिपीटेड सेल्स करेंगे, क्योंकि जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, कई बार क्या होता है ना, दुकानों पर रेंज खत्म होने लग जाती है और आपकी जो रिपीट रेट होती है, आप जब सप्लाई कर रहे होते हो तो आपके बहुत सारे रेंज के आइटम कम हो जाते हैं, तो क्या आपकी सारी रेंज वहां पे पूरी क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है, उसके गोडाउन में कितना स्टॉक है, जो शेल्फ पे स्टॉक नहीं उसके गोडाउन में जितना स्टॉक है वही आपकी जीत है। तो अगर गोडाउन में 5 केस या 10 केस 20 केस एक्स्ट्रा पड़े हैं तो वो आपका जो होता है ना, वो आपका कभी सेल्स को गिरने नहीं देता, तो वहां से आपकी एक और मंत्र बन जाता है कि आप कैसे जीतेंगे वहां।
किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाते वक्त हमें कब रीच पर ध्यान देना चाहिए, कब रेंज पर ध्यान देना चाहिए, क्या साइन है कि अब मेरे को रीच बढ़ाने का वक्त आ गया है या रीच रोकने का वक्त आ गया है और अब रेंज में जाने का वक्त आ गया है। तो इसमें बड़ा सिंपल होता है, आपके मार्केट शेयर पे डिसाइड करते हैं कि आप जब एक मार्केट शेयर पे होते हो, एक्स मार्केट शेयर तक पहुंच जाते हो, तो आप कोशिश करते हो कि मैं अपनी रीच जहां तक पहुंच गया। अगर आपका मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मैगी जैसे एक ब्रांड ले लेते हैं, एक्स ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच चुका है कोई भी ब्रांड, अगर वो कोई भी ब्रांड एक्स है, वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में उसने बहुत महारत हासिल कर ली है, मार्केट शेयर हो गया उसका 80-90%, हर आदमी उसको जानता है, तो वो अपने आप ही होलसेल में जा जाके वो माल पहुंचने लग जाता है आगे तक, रीच तो बन गई है। अब आपको उस लेवल के आगे जाने के लिए आप क्या करते हो ना, रेंज लेके आते हो, नहीं तो वो आपका कंज्यूमर सैचुरेट हो जाता है कि यार मैं एक ही चीज बार बार लिए जा रहा हूं। तो जैसे ही आप एक्स डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच गए हो, आप उसका रेंज पे काम करते हो, नहीं तो क्या होता ना। और दूसरा एक और जगह होता है कि अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल दिए तो आपको रीच बनाने में उतने ही मैन पावर और कॉस्ट बढ़ेगा आपका, क्योंकि अगर आप 50 SKU लेके आ जाओगे आज, तो 50 में से आप 4 बेच पाओगे, 5 बेच पाओगे, आपको ये भी देखना है कि कौन से फास्ट मूविंग SKU पे मुझे काम करना है, तो आप उनमें से 45 का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के आप कोशिश करते हो कि मैं इन फास्ट मूविंग आइटम पे फोकस करूं, बाकी को मैं अगले दौर में तीसरे दौर में लेके आऊं अपने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले आई थिंक एक ब्रांड को आपको बनाना चाहिए कि वो एक्स रीच तक पहुंच जाए, मार्केट शेयर जीतती जाए कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट, उसके बाद आप उसमें रेंज ऐड करिए ताकि आप कंज्यूमर को टेस्ट बढ़ाते जाए, और जिन जिन मार्केट में आपका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है उधर उधर आप नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते जाइए। सर ये तो बात रही रीच और रेंज की, अगर मैं पूछूं एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर 100-150 कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, 100-150 कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, सबका कुछ कुछ मार्केट शेयर है, और जहां पर ये नाप पाना मुश्किल होता है कि मेरा मार्केट शेयर कितना है, ऐसी इंडस्ट्री में किसी को भी अगर अपना ब्रांड बनाना है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन में एक रीच और एक रेंज बनानी है, तो वो उनका क्या तरीका होना चाहिए और फिर किस तरह से ध्यान देना चाहिए। अब देखो कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री है, तो आप ये देखेंगे कि आपको आपके सबसे वीक कॉम्पिटिटर कौन है, किन से आप जीत सकते हो। अगर एक मानते हैं कि युद्ध में 15-20 लोग हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट एक्स जगह पे, हमें हमारा पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये इन 5 से मैं ऊपर हूँ, इन 5 से मेरी क्वालिटी में नीचे है, इन 5 से मैं मेरी राइट टू विन है जीतने के लिए। तो आप देखते हो यार इन इनकी दुकानों में जहां पर भी इनका स्टॉक होगा उससे अपन ज्यादा माल डालेंगे, पहली चीज तो ठीक है ना। तो स्टॉक होता है वेटेड कि अगर उस दुकान में गया तो मेरा माल दोगुनी क्वांटिटी या तीसरी 3 गुना क्वांटिटी में पड़ा हुआ है पहला। तो आप कॉम्पिटिशन जो वीक कॉम्पिटिशन होता है अपने आप फेज आउट होने लग जाते हैं आपकी जीतने के लिए। अब आपको जो ऊपर वाले प्रोडक्ट क्वांटिटी है उधर आप कोशिश करते हो उनको हराने के लिए, आप सोचते हो इनके क्या हीरो प्रोडक्ट है, उनके जो हीरो प्रोडक्ट है वो आप समझते हो कि वो क्या बिक रहे हैं। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में हीरो प्रोडक्ट है नहीं जो सामने वाले के, अगर आपके पोर्टफोलियो में वो हीरो प्रोडक्ट आ गए और आपका भी हीरो मिल गया तो आई थिंक फिर तो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी जाती है। तो आई थिंक सिंपल सी बात है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी ऑडियंस के लिए, हीरो प्रोडक्ट एक बार आप थोड़ा सा समझा दीजिए। हीरो प्रोडक्ट बोले तो जैसे आपका जो प्रोडक्ट का एक सेल्स आता होगा, आपकी जो सेल आती होगी, अगर आप सारे प्रोडक्ट की सेल देखना शुरू करेंगे तो किस सेल की कंट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट से ज्यादा आ रही है। अगर मैं आपको एक बताऊं कि जैसे अगर कोई जूते बेचने वाली कंपनी है तो उसको लगता है स्नीकर्स में मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है स्नीकर्स में एक्स प्रोडक्ट से मेरी बहुत ज्यादा सेल बढ़ रही है, तो स्नीकर्स जो उसकी कैटेगरी उसका हीरो प्रोडक्ट हो गया। हो सकता है चप्पल हो सकती है, हो सकता है देयर कुड बी फ्लोटर्स हो सकते हैं, 10 चीजें और हो सकती है, पर आपका जो मोस्ट हीरो प्रोडक्ट वो हीरो प्रोडक्ट हर दुकान में अवेलेबल होगा और थोक के भाव अवेलेबल होगा। फिर ऐसा नहीं ना कि 2 पीस डाल दें 3 पीस डाल दें, हीरो प्रोडक्ट सब जगह होगा। तो हीरो वुड बी अक्रॉस, फिर उस हीरो के साथ आप 2-4 सब्सिडियरी ब्रांड से एंटर करते हो और अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश करो, वहां रेंज बढ़ा सकते, वहां रेंज बढ़ाएंगे क्योंकि हीरो एंट्री करता है, हीरो के दम पे एंट्री होती है पिक्चर में। सही बात। तो हीरो अगर आपका प्रोडक्ट है और हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, वो हीरो प्रोडक्ट आपकी सेल की कॉन्ट्रीब्यूशन में बनता है, नहीं है तो आप देखिए कि बाकी कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या बेच रही है, उनका क्या हीरो है और आपके उसमें क्या डिफरेंस है, वहां से आपकी जीत का मंत्र बनता है। किसी भी नई जगह पर जाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे बनाते समय? तो मेरा सजेशन, अगर आप किसी अनजान जगह जा रहे होते तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं कि उस मार्केट में कितना बड़ा मार्केट है, किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, 15 डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ काम करते हैं, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ही नहीं चलता, यहाँ पे एक ही बंदा है सुपर स्टॉकिस्ट है, वो सुपर से सबके हब के थ्रू माल आता है। तो आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, दूसरा डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट पहुंच कैसे रहा है, तीसरा जब पहुंचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो मैं अपने किस तरीके से पहुंचूंगा, मेरा हब पॉइंट कहाँ पे होगा, मैं इस जो बंदे को इसको अगर मैं किसी को अपॉइंट करना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को तो उसको मार्जिन क्या दूंगा। तो आप अपना पहले एक रोड मैप तैयार करते हैं वहाँ पे कोई भी जगह जाने का, उस रोड मैप में आप डिसाइड करते हैं कि मैं अगले 3 महीने में यहाँ पे कितनी सेल लेके आऊंगा, 6 महीने में कितनी सेल लेके आ जाऊंगा। और आपके कुछ क्योंकि नए मार्केट है तो आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बोर्ड लगाना पड़ सकता है, आपको लोगों को बताना पड़ सकता है, हो सकता है 2-3 सेल्स में अलग डालने पड़ सकते हैं ताकि आपकी सेल बढ़े। तो आपको कॉस्ट को डाल के देखते हैं कि मैं अपने सेल्स को कहाँ लेके जाऊंगा। तो
तो आप नए मार्केट में जाएंगे तो रिसर्च करना है आपको सबसे पहले, कॉम्पिटिशन देख लेना कि वहाँ पे कोई है या नहीं है, नहीं है तो बहुत ही सही है, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं वहाँ पे। थर्ड, आप डेफिनेटली जाके वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपना कितने खर्चे बढ़ा के उनके रिटर्न्स कैसे सेल के साथ देखूंगा, तो अगले 1 महीने में 3 महीने में 5 महीने में अपना प्रोजेक्शन बना लेंगे आप कि मैं अपना कितना बिजनेस बढ़ेगा, और वो प्रोजेक्शन नहीं चल रहा तो आप 3 महीने बाद रिविजिट करेंगे, रियल टाइम बेसिस पे आप देखेंगे कि आपका कहाँ पे गिर गया है बिजनेस और कहाँ पे आप इमीडिएटली उठा सकते हो। नया प्रोडक्ट हो गया तो नया मार्केट हो गया, वहाँ पे 20 कंज्यूमर से मिलेंगे कि अभी वो क्या यूज करते हो, क्या अगर उनको ऐसी चीज मिलेगी तो क्या वो इस पर शिफ्ट करना चाहेंगे। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है मार्केट रिसर्च में कि यार हमें 50% से 70% जनता ने बोला है कि नहीं यार ये नया सोल्यूशन हमें चलेगा, तो आपको वहां से कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है पहली चीज। तो दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि एक नया मार्केट ही ऑल टुगेदर है और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो तो यार एक्स मार्केट का है, यहाँ तो नहीं चलेगा, तो आप देखते हो वहां पे बिक क्या रहा है और ये क्या मैं इसे बना सकता हूँ, क्या मेरे को अपने प्रोडक्ट में क्या ट्वीकिंग करनी है, क्या फॉर्मूला में ट्वीकिंग करनी है कि मैं यहाँ पे लॉन्च कर दूं, तो आप थोड़ा सा हो सकता है ना कि बटर के साथ कई बार गार्लिक बटर आ जाता है तो आप उसे चेंज करके ट्वीकिंग करके लॉन्च कर देते हैं, तो ताकि उधर से भी आप अपना फायदा ले सके, क्योंकि आपके पास एक बेस तैयार है, उस बेस के ऊपर आप नई नई टॉपिंग करके नए नए पिज्जा तैयार कर रहे हैं। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी ज्योग्राफी में प्रेजेंट हूँ, कुछ एक टाउन क्लास है, वहां पर एक तरह का कस्टमर है, एक तरह का रिटेलर है, मैं उसके पास अपने एक दो प्रोडक्ट डाल के छोड़ दूं और मैं ना सोचूं कि मेरे को यहाँ बढ़ाना है, क्या ऐसी भी कोई रणनीति होती है कि मैं सोचूं कि नहीं मेरे यही प्रोडक्ट यहाँ पर है यही चलेंगे और मैं इसी के साथ रुकूंगा? मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हर कंपनी बनाती है कि मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचूंगा, वहां पे ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो उस मार्केट की जरूरत होती है, ठीक है, और शायद कंपनी भी नहीं चाहती कि हम, क्योंकि दो तरीके होते हैं, या तो दूसरे मार्केट के प्राइसिंग अलग होती है, इस मार्केट की प्राइसिंग अलग होती है पहला चीज, तो कंपनी फोकस करती है कि इस मार्केट में एक्स प्राइसिंग का चलेगा, उस मार्केट में वाई प्राइसिंग का चलेगा। पर अगर आपका प्रोडक्ट कहीं बिक रहा है और वहां पे आपका एक सेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो कोई हर्ज नहीं है कि आप वहां पे जो दूसरे मार्केट के जो अच्छे प्रोडक्ट चलते हैं वहां पे लॉन्च करें, तो आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास अपना एक फैक्ट्री सेटअप है, प्रोडक्ट बना हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ ये प्लान करना है कि मैं कैसे से लॉन्च करना चाहता हूँ और किस तरीके से लॉन्च करेंगे, तो बस आपका वो स्केल होता है, तो आप लेवल 2 ऑफ लेवल 3 ऑफ गेम खेलते हैं। मतलब सजेशन है कि अगर आपके प्राइसिंग अलग अलग है तो अलग अलग रहने दीजिए, अगर सेम है और कहीं जीत रहा सेम प्राइसिंग तो ऑब्वियसली उसे लॉन्च करिए वहां पे और सक्सेस पाइए। सर तो किसी जगह पर कौन सा प्रोडक्ट चलेगा ये तय करने के लिए क्या 2-3 आसान कदम है किसी के लिए भी, ये प्लान करने के लिए उनको किन चीजों का ध्यान ये क्या प्रोडक्ट चलेगा क्या नहीं चलेगा वो है कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो आते हैं कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, पर फिर भी बोल रहा हूँ कि इसमें एक होता है कि कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसे समझना है। हाँ, अगर उसको जो चाहिए अगर आप वो बना रहे हैं तो फिर ऐसा कोई है नहीं कि उसको अगर मिल गया तो फिर वो चलेगा ही चलेगा प्रोडक्ट, तो आपको बस ये देखना है कि यार उसकी जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है, उसकी जरूरत प्रोडक्ट बनाने के बाद वो अवेलेबल है, तो एक बार अफोर्डेबल हो कि उसकी प्राइसिंग रेंज में आता हो, ऐसा नहीं कि बना दिया प्रोडक्ट उसकी जरूरत थी तो हमने लाखों रुपए मांग लिए, ऐसा नहीं, अफोर्डेबल भी हो और अवेलेबल भी हो तो आपका ये सीधा हो जाता है, इसके बाद आप वहां से जीतना शुरू करते हैं। पर ये प्रोडक्ट जीतने के 2 मिनट हैं, बाकी आप प्रोडक्ट और प्रमोशन बाकी आजकल आप बढ़ाते रहते अपना तो आपकी सेल्स बढ़ती है। सर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने रीच और रेंज की बात करी, हम एक जगह पहुंच तो गए लेकिन वहां पर अपनी विजिबिलिटी किस तरह से ब्रांड्स बढ़ा सकते हैं ये आप हमें बताइए। सिर्फ अगर आपको याद हो मैंने पिछले बताया एग्जीक्यूशन करना है, आपको एग्जीक्यूशन इज द मंत्र कि जब तक आप दिखेंगे तो दिखेंगे, पर अगर आपको इसके करने के लिए कोई बड़ा सिंपल से घड़ी होती है, आप एक टाउन क्लास निकालते हो कि टाउन क्या आबादी का टाउन है, 5 लाख आबादी के ऊपर का टाउन है, आप कहाँ पर है, 2 लाख है 1 लाख है, उस हिसाब से आप अपना आउटलेट का क्लास डिसाइड कर लेते हो कि जो मेरा आउटलेट है अगर टॉप उस टाउन का 30% का धंधा मेरा वहां से आता है तो आपका टॉप आउटलेट हो गया, बीच में कोई आउटलेट है जो 30 से 70 का धंधा हो गया और उसके नीचे जो धंधा हो गया ए बी सी करके आप अपना क्लासिफिकेशन कर दीजिए दुकानों का। अब एक क्लास की दुकानों में आपकी सारी रेंज रहेगी और उसकी प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग होगी क्योंकि वहां पे आपका अल्टीमेटली सारा कंज्यूमर वहीं आ रहा है। बी सी में हो सकता है आपको थोड़ी रेंज कम करनी पड़ेगी, सी में रेंज और कम हो जाएगी, तो बी में आप हो सकता है पोस्टर बैनर के थ्रू अवेलेबल हो, डीलर बोर्ड के अवेलेबल हो, ए में आपने अच्छा से ब्रांड का एक लोगो बना के कुछ डिजाइन अच्छे से करके आपने ताकि आपकी सारी रेंज अवेलेबल हो, और सी क्लास में हो सकता है आप शायद नॉर्मल सप्लाई करते रहे रेगुलरली ताकि आप अपने खर्चे को भी मिनिमाइज करें और विजिबिलिटी भी अच्छी बनाए ब्रांड की। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हेल्थ, उसकी सेहत, उसकी सक्सेस कैसे नापी जा सकती है, उसके क्या चिन्ह, उसके क्या तरीके हैं? तो देखिए सेहत तो देखो सेहत का नापने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, जैसे हम हमारी बॉडी के टेस्ट करते हैं ऐसे ही आपके ब्रांड के भी टेस्ट होते रहते हैं। तो पहला सिंपल सी गणित है कि आपके जो डीलर है कितने डीलर आपके साथ उस ब्रांड में जा रहे हैं, तो हर महीने में कितने डीलर मेरे से रिपीट ऑर्डर ले रहे हैं, क्या मुझे हर महीने ऑर्डर आ रहा नहीं आ रहा है पहला। दूसरा, क्या मैं उस ब्रांड के अंदर मेरे जो ब्रांड के नीचे के जो 4-5 SKU है
उस एसक्यू के नीचे मेरे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा मेरा जो है वो क्रेडिट कितना रिपेमेंट फटाफट हो रहा है। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपका पैसा फास्ट घूम रहा होगा, अगर आपका पैसा स्टक हो गया है तो कहीं पे क्रेडिट दिक्कत हो रही है, तो आप वहां से देखते हो अपने फाइनेंशियल हाइजीन कैसी बिजनेस की। तो ये आपकी ना एक ब्रांड की हेल्थ बताता रहता है कि ब्रांड सही कंडीशन में है नहीं है। ऑब्वियसली चौथा कि आप अपने ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी देखते हो कि कोई कॉम्पिटिशन के आइटम तो नहीं उधर ज्यादा आने लग गए, तो आप ये भी नजर रखते हो कि प्योर कॉम्पिटिशन के साथ मेरी अपनी खुद की ब्रांड भी, क्योंकि कई बार जैसा आपने बोला था कि 100 से 150 अनऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं कई बार इंडस्ट्री में, तो कई बार क्या होता है ना, आप जैसे आप किसी का शेयर ले रहे होते हो, कोई आपका भी मार्केट शेयर खींच के ले जाता है। सही बात। तो आप ये भी कोशिश करते रहते हो कि मैं अपने बिलकट तो बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने रीच बढ़ा रहा हूँ, मैं अपना क्रेडिट फास्ट घुमा रहा हूँ, पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा माल भी स्टॉक भी मार्केट में उतनी क्वांटिटी में रहे कि जितने मेरी सेल बढ़े, तो आपकी हेल्थ सटीक रहेगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, कई सारे तरह के प्लेटफॉर्म्स है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से ब्रांड्स की फैक्ट्रीज की मदद कर सकती है और कैसे वो इसकी मदद से आगे बढ़ सकते हैं? तो जैसे फिजिकल प्रेजेंस भी दे आपको और साथ में डिजिटल अवेलेबिलिटी भी क्रिएट कराए आपकी। तो अगर मैं आपको सिंपल सेंस में समझाऊं तो आपका प्रोडक्ट आगरा में बन रहा है, मुझे लेके जाना है इसे पाली में, राजस्थान में, तो देन उस कंपनी के पास अपने एक सेल्स टीम होती है जो आपको वहां से डिजिटल प्रोडक्ट आपका फिजिकली पहुंचाती है और डिजिटली आपके प्रोडक्ट की ऑर्डर बुकिंग करके आपको आगे बताती है आगे और कितने ऑर्डर आने वाले हैं। तो आप अपना जो एक कर रहे हैं मार्केट प्लेसेस पे आप अपने थ्रू कर रहे हैं, पर इन सर्टेन सेट ऑफ एजेंसीज जो आपके लिए जो होती है आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ ये मार्केट प्लेस नहीं होती, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट डाला और प्रोडक्ट बिक गया, इसके साथ बहुत सारी सर्विसेज जुड़ी होती हैं, भले वो डिलीवरी से रिलेटेड हो, भले ही आपकी कैटलॉगिंग से रिलेटेड हो, सैम्पलिंग से रिलेटेड हो, या ऐसा कुछ भी हो। हाँ, तो ये जो भी आपको मदद प्रोवाइड करेंगे, ताकि देखिए आपका कोर काम है प्रोडक्ट बनाना, किसी की कोर एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट बेचना, किसी की कोर एक्सपर्टीज से क्रेडिट देना। तो क्या होता है ना, कई बार आपको जरूरत लगती है हर एक बंदे की, जैसा बोला ना एक पूरे साइकिल में हर बंदे का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो हर आदमी मैं सब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ चीज जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं करूंगा, कुछ चीज जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है वो मैं आउटसोर्स कर दूंगा, किसी और को दे दूंगा काम करने के लिए। और ऐसे ही होता है अपने घर में भी, जब शादी होती है तो हम कुछ चीज आउटसोर्स कर देते हैं किसी को और कुछ चीज हम खुद कर देते हैं, यही तरीका होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने आपसे बहुत सीखा होगा आज। थैंक यू आयुष, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपकी टीम से मैं वार्तालाप कर पाया या उन्हें कुछ बता पाया, अगर मेरे कुछ भी नॉलेज से उनको कुछ आइडिया लगता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश होगा कि उन्होंने कुछ सीखा है। बाकी बिजनेस ही सीखते रहने का नाम है, बिल्कुल सीखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।